ये है Red Dead Redemption जो कि एक PC एंड कंसोल टाइटल है, लेकिन अक्सर आप लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि प्रतीक भाई इसके जैसे गेम्स मोबाइल पर बताओ। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नहीं, पांच नहीं बल्कि 10 ऐसे मोबाइल गेम्स जिनके अंदर आप लोग को ओपन वर्ल्ड काउबॉय स्टाइल का वाइल्ड वेस्ट एडवेंचर करने के लिए मिलेगा। उन सभी गेम्स की ग्राफिक्स अच्छी रहेंगी और ज्यादातर सभी गेम्स के अंदर शानदार स्टोरी लाइन्स हैं। तो अगर जानना है उन सभी गेम्स के बारे में तो देखो इस वीडियो को एंड तक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इनफैक्ट फ्यूचर में भी अपनी पसंद की वीडियोस और देखनी है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस काउंटडाउन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी गेम्स रैंडमली प्लेस्ड है, यानी कि वीडियो की शुरुआत में, बीच में और अंत में सभी जगह तबाहीदार गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं। जहाँ वीडियो का फर्स्ट गेम है वेस्टर्न काउबॉय हॉर्स राइडिंग। ये एक वाइल्ड वेस्ट काउबॉय गेम है जहाँ पर हमारे हॉर्स स्टेबल में ढेर सारे हॉर्सेस हैं टू चूज फ्रॉम। ये इस पूरी जर्नी के हमारे मेन कंपेनियन होने वाले हैं, जिन पर सवार होकर के हम माफिया गैंग्स के गुंडों को मिट्टी में मिला देते हैं। जी हाँ, इस पूरे वाइल्ड वेस्ट शेल्वी वैली का हमारा कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट एक हीरो बनना चाहता है। वो जहाँ पर भी कुछ बुरा होते हुए देखता है तबड़क तबड़क करके अपने घोड़े पे निकल जाता है उसे रोकने के लिए। मजाक से हटके गेम आप लोगों को पूरी तरीके से ओपन वर्ल्ड देखने के लिए मिल जाएगा और ग्राफिक्स भी डिसेंट ही रहेंगे। ढेर सारे मिशंस होंगे कंप्लीट करने के लिए जिनमें तबाहीदार एक्शन रहेगा। इतना सब कुछ मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 66 MB के साइज में, जहां गेम ऑफलाइन है। रही बात वीडियो के सेकंड गेम की, तो वो है वाइल्ड वेस्ट काउबॉय गेम सर्वाइवल। ये भी एक ओपन वर्ल्ड वाइल्ड वेस्ट गेम है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को काफी कुछ एक्स्ट्रा भी करने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप लोग अलग अलग टाउन्स को एक्सप्लोर करने जाते हैं और वहाँ के एनिमीज को मार डालते हैं। फिर आप लोग ट्रेजर्स की तलाश में जाते हैं शिप्स के ऊपर, और जंगली जानवर जैसे कि बियर का भी सामना करते हैं। यानी कि आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि मेन मिशंस के अलावा आप लोगों को काफी कुछ साइड क्वेस्ट भी करने के लिए मिल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने फ्री टाइम में आप लोग स्नाइपिंग भी कर सकते हो, यानी कि शिकार करना। याद है लास्ट टाइम सल्लू भाई भी गए थे उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। गेम का साइज रहेगा 100 MB के आसपास और गेम ऑफलाइन रहेगा। इसी के साथ में चलिए बात करते हैं वीडियो के थर्ड गेम की, जो कि है गन्स एंड स्पोर्ट्स 2। अब यार वो गन्स एंड स्पोर्ट्स इस फ्रेंचाइजी को आखिर कौन नहीं जानता। इसके थर्ड पार्ट का इंतजार मुझे बहुत ही लंबे टाइम से है, पता नहीं गेम डेवलपर्स उसे कब लॉन्च करेंगे। ये भी एक थर्ड पर्सन ओपन वर्ल्ड गेम है जहाँ पर आप लोगों को अलग अलग मिशंस करने के लिए मिल जाते हैं। पूरा ब्यूटीफुल टाउन मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर आप लोग एनिमीज का शिकार भी करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े बड़े कैदियों को जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है, चाहे फिर हम उन्हें जिंदा पकड़ के लाए या फिर मुर्दा। चॉइस इज योर्स। इसी के साथ साथ हम लोग हंटिंग पर भी जाते हैं और स्टोरी कैंपेन को भी कम्प्लीट करते हैं। गेम का साइज रहेगा 167 MB के आसपास और गेम ऑफलाइन है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वीडियो के फोर्थ गेम की, जो कि है डर्टी रिवॉल्वर। ये गेम अभी तक की बताई इस लिस्ट का विजुअली मुझे सबसे ज्यादा क्लोज लगता है रेड रेड रिडेम्पशन गेम से, जहां पर आप लोगों को अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं और स्टोरी के तो क्या ही कहने। वेट, आइए समझाता हूँ। अचानक वेस्ट के गुंडे एक दिन आपके गांव पर और आपके परिवार पर हमला कर देते हैं। उस हमले में पूरा का पूरा गांव जल करके राख हो जाता है और आपके भाई बहन और माँ भी मारी जाती है। जैसे तैसे आपके पापा आपको बचा करके एक पहाड़ पर लेकर के चले जाते हैं और वहाँ पर आपके अंदर बजले की ज्वाला भड़क रही है। एक दिन आप चाहते हैं कि बड़े होकर के वेस्टलीज के गुंडे और उसको भी मार डाले। तो क्या आप बड़े होकर के ट्रेनिंग लेने के बाद उसको हरा पाते हैं, अपना रिवेंज ले पाते हैं या फिर नहीं, वो आप लोगों को गेम में देखने के लिए मिलेगा। गेम की स्टोरी अच्छी है, ग्राफिक्स भी शानदार है, 4 अलग अलग लोकेशंस मिल जाती हैं और सभी लोकेशंस में डिफरेंट वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेंगी। गेम का साइज है 289 MB का और गेम ऑफलाइन है। और ये लीजिए यार, देखते ही देखते आप और हम आ पहुंचे हैं वीडियो के बिल्कुल मिडिल में, यानी कि फिफ्थ गेम की तरफ, जो कि है वाइल्ड वेस्ट काउबॉय हॉर्स राइडिंग। ये भी सेम आप लोगों को वैसा ही ओपन वर्ल्ड गेम देखने के लिए मिल जाएगा, सेट इन वाइल्ड वेस्ट जॉनरा, जहाँ पर गेम डेवलपर्स ने इस गेम की कहानी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जहाँ पार्ट 1 रहता है ट्रेनिंग आर्क, यानी कि आप लोग वेपन्स वगैरह चलाना सीखते हैं। फिर पार्ट 2 रहता है शूटिंग आर्क, जहाँ पर आपकी स्टोरी आगे बढ़ती है और आप लोग ढेर सारे एनिमीज का सामना करते हैं। खतरनाक एक्शन वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड फाइनल एंड लास्ट पार्ट रहता है रिडेम्पशन आर्क, जहाँ पर आप लोगों स्वॉर्ड बैटल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लोग चाहें तो अपने कैरेक्टर्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो। गेम का साइज रहेगा 144 MB का और गेम ऑफलाइन है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के अंदर बताए गए सारे के सारे गेम्स की डाउनलोड लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आराम से डाउनलोड कीजिए। रही बात सिक्स्थ गेम की, तो वो है वेस्ट गन फाइटर। अब हम लोग एक ऐसे वाइल्ड वेस्ट गेम की बात करने वाले हैं जो आप लोगों को पूरे तरीके से ओपन वर्ल्ड मिल जाएगा। एक स्टोरी को फॉलो करते हैं थ्रू आउट दी जर्नी, ढेर सारे एनिमीज से फाइट करते हैं, लेकिन 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 गेम की शुरुआत में ही हमें एक चॉइस मिल जाती है कि हम लोग काउबॉय बनना चाहेंगे या फिर काउगर्ल। है ना यूनिक।
सिर्फ इतना ही नहीं, ये गेम ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस में कंपैटिबल है, यानी कि आपका फोन कितना ही पुराना क्यों ना हो उसके अंदर भी चल जाएगा, क्योंकि इसका साइज है सिर्फ और सिर्फ 44 MB के आसपास और गेम पूरे तरीके से ऑफलाइन है। और यार रही बात वीडियो के 7th गेम की, तो वो है दी लॉलेस। ये इस लिस्ट का सबसे पुराना गेम है, लेकिन आज भी लोग इस गेम को याद रखते हैं इसके सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए, जहां पर हर एक लेवल के साथ में आप लोगों को शानदार सिनेमैटिक सीन्स देखने के लिए मिलते हैं। इस गेम का शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक है और गेम डेवलपर्स हमें चैलेंज करते हैं हार्ड मोड को ट्राई करने के लिए, जहां पर हमें अलग अचीवमेंट्स मिल जाती हैं और कुछ तो काफी सीक्रेट भी है। साथ ही गेम का साइज रहेगा 230 MB का और गेम पूरे तरीके से ऑफलाइन है। और रही बात वीडियो के 8th गेम की, तो वो है किंग ऑफ द वेस्ट। ये एक वाइल्ड वेस्ट स्ट्रेटेजी गेम है। जी हाँ, यहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाना होता है अपने टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम अकेले पूरे टाउन को कैसे डिफेंड कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को बीच में शानदार सिनेमैटिक कटसीन मिल जाते हैं, एट सारा एक्शन होता है, और अगर आप चाहें तो कोऑप मोड में अपने फ्रेंड्स के साथ में भी प्ले कर सकते हो, क्योंकि इस गेम के अंदर MMORPG एलिमेंट्स भी हैं। गेम का साइज रहेगा 1 GB और गेम ऑनलाइन है। और ये लीजिए यार, देखते ही देखते आप और हम आ पहुंचे हैं वीडियो के सेकंड लास्ट गेम की तरफ, जो कि है गन्स एट डॉन। ये वाला सबसे बेस्ट वर्ल्ड वेस्ट PVP शूटिंग गेम है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। देखो यार, एक वर्ल्ड वेस्ट शूटिंग एक्सपीरियंस का मतलब ही क्या होता है। दो अपोनेंट्स हो, दोनों के पास में एक जैसी वेपन्स हो, उन वेपन्स में सेम अमाउंट ऑफ बुलेट्स हो, फिर दोनों ने लेकर के अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही कदम चले, फिर रहेगी हमारे स्किल पर डिपेंड करने वाली बात, कौन जीतता है और कौन मर जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को अगर गेम पर अप्लाई कर दे अच्छी ग्राफिक्स के साथ, तो ये गेम निकल करके आ जाएगा, जहां पर आप लोगों को 5 डिफरेंट लोकेशंस मिल जाती हैं और गेम का साइज रहेगा 160 MB। गेम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में आएगा। और अब सर बात करते हैं वीडियो के 10th एंड फाइनल गेम की, लेकिन इससे पहले अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है, तो आप हैं चैनल के प्राइम मेंबर्स, और ऐसे प्राइम मेंबर ये आपका फर्स्ट बंदा है कि आप चैनल को सपोर्ट करें, यानी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यार सब्सक्राइब से मुझे याद आया, इस वीडियो के अंदर बताए गए जितने भी गेम्स आपने देखे हैं, उन सभी के गेम प्ले मोबाइल प्ले चैनल से उठाए गए हैं। जी हाँ, वो मेरा ही एक नया चैनल है, और वहाँ पर जो गेम जिस टाइम पर लॉन्च होता है, मैं उसी टाइम पर उसे अपलोड कर देता हूँ, प्रोटेक चैनल से बहुत पहले। सो अगर सभी गेम्स के बारे में जानना है, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। रही बात 10th एंड फाइनल गेम की, तो वो है वाइल्ड वेस्ट एल्डोराडो। क्या आप तैयार हैं यादगार जर्नी पर जाने के लिए, तो निकाल लीजिए अपनी रिवॉल्वर, चुनिए अपना घोड़ा और निकल पड़िए शानदार ओपन वर्ल्ड एडवेंचर पर। यहाँ दुनिया को एक्सप्लोर करती करती हमें ढेर सारे गैंग्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमें बनना है दुनिया का सबसे बेस्ट गनस्लिंगर। सो हम क्या करते हैं, उनके मेन लीडर को ही मार देते हैं और फिर अपनी खुद की गैंग एस्टेब्लिश करते हैं। रास्ते में अलग अलग लोगों को उससे जोड़ते चलते हैं, और जिस कैदी को पूरी दुनिया नहीं पकड़ पाती, उससे भी हम पकड़ करके लाते हैं। अलग अलग ट्रेजर्स की तलाश में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिशंस को कंप्लीट करते हैं। गेम की ग्राफिक्स अच्छी है और साइज रहेगा 355 MB का। ऊपर से गेम पूरे तरीके से ऑफलाइन है। सो यारो, कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो फुल सपोर्ट दिखाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और फ्यूचर में भी अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए प्रोटेक्ट, मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।